हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस मुंजाल। तो आज हम रिव्यू करेंगे फ्रेंच डोर ओपन रेफ्रिजरेटर का। आपको तो पता है दिवाली के आसपास सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे कितनी ज़्यादा ऑफ आ जाती है, कैश बैक्स एंड ऑल दैट। तो हमने भी सोचा क्यों ना हम भी अपने घर के लिए एक दिवाली पे न्यू फ्रिज लेके आएँ, फ्रेंच डोर फ्रिज। तो अगर आप भी लेना चाहते हो तो ये मेरी तरफ से तो हाईली रिकमेंडेड फ्रिज है, बहुत अच्छी फ्रिज है। हम फ्रिज 15-20 साल में एक बार लेते हैं, तो अगर आप इस फ्रिज में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रहेगा। तो मैं अब आपको डिटेल में इस फ्रिज के बारे में बताती हूँ, देखिए। तो गाइस, ये फ्रिज जिस तरह के बॉक्स में पैक होकर आई थी, हमने फ्रिज को इसमें से निकाल के अंदर लगा लिया, तो मैं आपको बॉक्स दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको अंदर ले जाके फ्रिज। तो गाइस, ये है हमारा फ्रिज, इसका नाम है RF50K5910DPTL और इसका कलर है ब्रॉन्ज कलर। कंपनी पहले इसमें सिल्वर कलर बनाती थी, लेकिन ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कलर आया है, ब्रॉन्ज कलर। और ये गोल्डन जैसा मेटैलिक फील देता है, पूरी बॉडी स्टील की है। देखिए, ये इसका फर्स्ट ऊपर से जो फर्स्ट कंपार्टमेंट है, ये दो पार्ट्स में डिवाइड है। इन दोनों को खोलेंगे तो ये हमारी फ्रिज का ऊपर वाला पोर्शन खुल जाएगा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत इसकी ज़्यादा विड्थ है। और ये नीचे का सेकंड कंपार्टमेंट है, इसको ये कन्वर्टेबल है, इसको आप फ्रिज भी बना सकते हैं और इसको आप फ्रीज़र की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसका टेम्परेचर ऊपर से सेट हो जाता है। और ये जो थर्ड कंपार्टमेंट है, ये इसको आप फ्रीज़र की तरह, ये फ्रीज़र ही रहता है, ये कन्वर्टेबल नहीं है, इसमें आप अपना फ्रोज़न फूड वगैरह रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्रिज है, बहुत ही ज़्यादा स्पेस है इसके अंदर। और ये ट्रिपल कूलिंग इसमें है और इसमें स्मेल वगैरह की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो गाइस, अब देखिए, आपको सबसे पहले राइट वाला खोलना है क्योंकि इसके बीच में फ्लैप होता है, और फिर लेफ़्ट वाला डोर खोलना है। खोलने के बाद आप देख रहे होंगे कि इसकी शेल्फ्स की विड्थ काफ़ी ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है सामान रखने की। और इसके अंदर आप देखिए, हमें दो नीचे ड्रॉर्स दिए गए हैं जिसमें आप अपनी वेजिटेबल्स वगैरह रख सकते हैं। ये काफ़ी कैपेसिटी है इनकी भी। और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसकी शेल्फ्स जो हैं टफन ग्लास की बनी हुई हैं, सारी की सारी बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं। इनको आप निकाल सकते हैं, लेकिन निकालना थोड़ा सा तरीके से पड़ता है, ऊपर करके फिर आपको खींचना होता है। नीचे एक और बड़ा ड्रॉर दिया गया है जिसमें आप अपना सैलेड वगैरह रख सकते हैं। जो साइड वाली देख रहे हैं आप, इसमें अगर आप 2 लीटर की बोतल भी रखना चाहें तो आराम से रख सकते हैं। दोनों तरफ तीन तीन शेल्फ दी गई हैं, ऊपर वाली में आप 1/2 लीटर रख सकते हैं और नीचे वाली में 2 लीटर तक आप रख सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि दोनों के दोनों डोर्स में ही काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है सामान रखने की। अब हम मैं दिखाती हूँ आपको नीचे का सेंटर। नीचे का ये सेंटर कन्वर्टेबल है, इसको आप फ्रीज़र भी बना सकते हैं और फ्रिज भी बना सकते हैं। इसमें भी नीचे एक ड्रॉर दी गई है, अगर आप चाहते हैं कि आपके दूध में स्मेल ना आए तो आप सब्जियां वगैरह नीचे रख सकते हैं। इससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपकी सब्जियों में दूध में कभी सब्जियों की स्मेल नहीं आएगी। और इसको आप चाहें तो आप अपने जैसे कोल्ड ड्रिंक या जो एनर्जी ड्रिंक है वो भी इसमें रख सकते हैं। और ये जो फोर्थ है, इसमें हम अपना बर्फ़ वगैरह जमा सकते हैं, आइस वगैरह, और नीचे हम अपना ड्रॉर में फ्रोज़न फूड रख सकते हैं। तो इसमें काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है, इसमें काफ़ी सारा फ्रोज़न फूड आ सकता है और इसमें भी काफ़ी सारा सामान आ सकता है। तो मुझे तो ये फ्रिज बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इसके अंदर एक खासियत ये है कि इसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती। अब मैं आपको बताती हूँ इसका टेम्परेचर वगैरह कैसे रहता है। तो गाइज, इसमें चाइल्ड लॉक सिस्टम दिया गया है। देखिए, अगर आप इस बटन को 3 सेकंड तक दबा के रखेंगे तो आपका कोई भी बटन वर्क नहीं करेगा। आपके बच्चे चाहे कितनी मर्जी कोशिश करें, वो टेम्परेचर को नहीं छेड़ सकते इन बटन्स को। देखिए, मैं कितनी कोशिश कर रही हूँ, बच्चे चाहे कितनी मर्जी कोशिश करें, इसके नंबर या टेम्परेचर चेंज नहीं होगा और ना ही नीचे वाले का फ्रिज का चेंज होगा। तो इसके लिए आपको 3 सेकंड के लिए इसको दबाना पड़ेगा और ये लॉक का साइन चला जाएगा, उसके बाद ही ये फ्रिज के बटन आप ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए, इसको बार बार, एक बार दबाने से भी नहीं होगा, बच्चे कई बार कोशिश करते हैं, दबा लेते हैं, लेकिन इसको 3 सेकंड तक जब दबा के रखा तब ये साइन चला गया, अब हम चेंज कर सकते हैं। इसमें ये होता है कि अगर आपका 1 पे आप रखते हो इसको तो सबसे ज़्यादा कूलिंग हो गई, आम फ्रिज से उल्टा है। 1 पे रखेंगे तो सबसे चिल्ड होएगा और 7 पे सबसे कम होएगा, तो हम 4 पे जनरली रखते हैं। और इसका ये है कि ये माइनस में है, तो इसका अगर -27 रखेंगे तो सबसे ज़्यादा होएगा और -15-16 पे कम होएगा।
और ये जो बटन दिया गया है ये नीचे वाले फ्रीज़र के लिए दिया गया, कन्वर्टेबल के लिए। इसको आप फ्रीज़र भी इस बटन से बना सकते हैं और इसको आप नॉर्मल भी कर सकते हैं। मैंने इसको चिल पे रखा है, मतलब मैं इसको फ्रिज की तरह यूज़ कर रही हूँ। अगर हम इसको दबा के रखेंगे तो इसका टेम्परेचर चेंज होता है, उस अकॉर्डिंग इसके हम फंक्शन चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, इसको 3 सेकंड के लिए अगर हम दबा के रखेंगे तो उसके बाद इसके फंक्शन चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ये मैंने 3 सेकंड के लिए दबा के रखा तो अभी इस पर कूल आ जाएगा। ये देखिए कूल आ गया, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये फ्रीज़र है बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपना ऊपर है। और इसके बाद सॉफ्ट फ्रीजिंग है, इसके बाद चिल है, जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चिल चाहिए तो, लेकिन इसमें आइस नहीं जमेगी इस टेम्परेचर पे। उसके बाद एक ये बटन दिया गया है, इसको वेकेशन मोड कहते हैं। अगर आपने घर से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है तो अगर आप इसको दबा के चले जाएंगे तो इससे आपके फ्रिज में स्मेल वगैरह नहीं आएगी, एज इट इज़ आप आके मीट में सामान रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको लॉक फिर से कर सकते हैं ताकि बच्चे इसको ना छेड़ पाएँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये सब कुछ मेरे चैनल को आप प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके बाद मैं डिश वॉशर कैसे यूज़ करना है और कितना कन्वीनियंट है और कितना हमारे लिए हेल्पफुल है उस पर वीडियो बनाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो। और इसको आप साइड से देखिए, इसका साइड का जो कलर है वो ग्रे है और ये मैट फिनिश में है, और ये मतलब स्मूथ फिनिश में नहीं है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और इसके नीचे एक चीज़ बता दूँ, इसके नीचे टायर लगे हैं, आप इसको आराम से इधर उधर कर सकते हैं।